Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस छोड़ने से पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट से मुलाकात की थी। अब राजस्थान में एक काम के लिए सिंधिया ने वहां के सीएम गहलोत को नहीं बल्कि अपने दोस्त सचिन पायलट को फोन लगाया है। दरअसल गुना के रहने वाले आशीष जैन नाम के एक शख्स ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मदद मांगी थी। आशीष ने ट्वीट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा कि मेरी बेटी कोटा में फंसी हुई है, वह वहाँ पढ़ाई के लिए गई है, वह हॉस्टल में रहती है और अच्छा महसूस नहीं कर रही है, उसे गुना स्थित घर लाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। आशीष जैन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से यह मदद 17 अप्रैल को मांगी थी। गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र है, वहीं से वह चुनाव लड़ते हैं। आशीष जैन के ट्वीट पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए 18 अप्रैल को लिखा कि आप चिंता मत कीजिए, अपना इनबॉक्स चेक कीजिए, आपकी डिटेल की ज़रूरत है। आशीष ने उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिटेल भेजा। आशीष द्वारा डिटेल भेजे जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से बात की। उसके बाद उन्होंने आशीष को रिप्लाई करते हुए लिखा कि प्रिय आशीष, आपसे दूरभाष पर चर्चा के अनुसार मेरे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से आपकी बिटिया असिंका की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। कृपया आप आश्वस्त रहें, आपकी बेटी को उचित देखभाल की जाएगी और शीघ्र ही उसकी घर वापसी की कोशिश की जा रही है। 19 अप्रैल को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर से ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मेरे अनुरोध के बाद राजस्थान शहर के कोटा में फंसी गुना शहर की बिटिया इसिका को शीघ्र अपने घर भेजने को लेकर भी आश्वस्त किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की बात करें तो इनकी जो बीच की ट्यूनिंग है काफ़ी अच्छी है। दोनों ने केंद्र में एक साथ मंत्री भी रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़ने पर सचिन पायलट ने कहा था कि सिंधिया का इस तरह से पार्टी से जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, इन चीज़ों को पार्टी में मिलजुल कर हल किया जा सकता था। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.